कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं और सख्तियों का जो आज से शुरुआत हुआ है उसके तहत मॉल्स भी बंद रहेंगे। भीड़ भाड़ होने के कारण मॉल को बंद रखने का आदेश राज्य सरकार ने जारी किया है और ये आदेश 21 जनवरी तक जो है ये आदेश जारी रहेगा। और इसी को लेकर जो कहा जा सकता है कि लोगों में जो कही जा सकती है कि एक जो मॉल में जाने की जो एक जो अपने सामान खरीदने को लेकर जो एक कोशिश होती थी वो आज से बंद हो जाएगी। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती थी, इसी को लेकर जो है ये आदेश जारी किया गया। ऐसे छोटे स्टोर को जो है ये खोल रखने की अनुमति है, वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, मगर उन स्टोर को भी रात के 8 बजे तक जो है आप खुले में खरीदारी कर सकते हैं, 8 बजे के बाद ये बंद हो जाएगा। नाइट कर्फ्यू जो है रात के 10 बजे से लग जाएगा और लोगों को जो है अब मॉल में अनुमति नहीं होगी आने की। कुछ लोग हैं उनसे हम जान लेते हैं कि राज्य सरकार के जो नए आदेश जारी किए गए हैं, मॉल्स बंद किए गए हैं या जो दुकानों को पाबंदी के साथ जो खोलने की अनुमति दी गई उसके बारे में क्या कहना। मॉल्स आज से बंद कर दिए गए हैं और क्या कहेंगे? देखिए, मॉल्स का जो बंद होने का काम हुआ है राज्य सरकार के द्वारा, तो ये थोड़ा सा अच्छा हुआ है क्योंकि कोरोना की जो पाबंदियाँ हैं, जितने केस बढ़ रहे हैं पटना में और उस पर रोक लगाने के लिए जितना जो भीड़ की गैदरिंग हो रही है उसको कम करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए बढ़िया हुआ है और लोगों का आवाजाही कम हो, मार्केट में गैदरिंग कम हो, तो इसीलिए अच्छा काम हुआ। तो लोगों को भी जो है ये आदेश जो जारी किया गया उससे वो सहमत है। हालांकि ये आदेश निकाला गया है कि राज्य सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है लोगों को पहले से कि आज से यानी 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2022 तक जो है ये मॉल्स बंद रहेंगे, वहाँ पर आप खरीदारी करने के लिए नहीं जा सकते हैं। ग्रोसरी के आइटम जो है अगर वो ऐसे स्टोर में मल्टी स्टोर में मिलेंगे तो वहाँ पे वो मिल सकते हैं, मगर जो शॉपिंग मॉल्स में अन्य चीज़ों के होते थे वो बंद रहेंगे। और आज से ये नियम लागू कर दिया गया, पटना के ऐसे तमाम बड़े मॉल जो है वो बंद हो गए हैं, उनके गेट को बंद रखा गया और आम लोगों के प्रवेश की जो अनुमति होती थी रोजाना के दिनों की तरह वो आज से बंद हो गया है। इस समय कैमरा पर्सन आशीष के साथ गौतम गौन, कशिश न्यूज़, पटना।